प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। नहीं, ये आज कुछ भारतीय जनता पार्टी में नया नहीं हुआ है, ये हमारी पार्टी में लगातार वर्षों से चलती आ रही प्रथा है। फिर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, फिर अनेक प्रदेशों की कार्यकारिणी होती है, फिर प्रदेशों के होने के बाद मुंबई शहर की हुई, फिर जिला की हुई, और उसी कड़ी में आज अपने धारावी विधानसभा की एक विस्तारित कार्यकारिणी बुलाई, जिसमें हम सभी धारावी के जितने हमारे कार्यकर्ता है, फिर वो बूथ प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर वार्ड के सभी सक्रिय कार्यकर्ता को यहाँ पर बुलाया था, और उनको ऊर्जा देने का काम आज इस कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आए थे, उन्होंने एक धारावी के कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा, यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर जाकर जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है, जैसे लोकसभा चुनाव में अनेक फेक नैरेटिव करके कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, जो महाराष्ट्र में पहले हम 42 पे थे और वो 4-5 पे थे, मगर ये फेक नैरेटिव की वजह से हम 17 पे आए, वो 31 पे आए, मगर आप देख लीजिए वो 31 पे आने के बाद आज महाराष्ट्र में जातिवादी दंगल भड़काने का काम जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में रुका था और आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में रुका था, मगर कहीं ना कहीं इनके 31 खासदार आने के बाद महाराष्ट्र में जातिवादी दंगा भड़काने का पाप फिर उरण में हुआ, धारावी में हुआ, मुंबई के अनेक परिसरों में इनका प्रयास चल रहा है। देखो, इनकी राजनीतिक दुकान जाति पाति के आधार पर चलती है और सदियों से चलती आ रही थी, मगर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र जी ने उस पर रोक लगाई और देश में देश के महाविकास पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रोक लगाई। कहीं ना कहीं ये फेक नैरेटिव से जो 31 खासदार चुनकर महाराष्ट्र से दिल्ली गए, मगर महाराष्ट्र की जनता आज दुखी है, जैसे हमारे जिला की जनता दुखी है कि उनके बीच का एक सामान्य खासदार जो जनता से मिलता था, कार्यकर्ताओं से मिलता था, उनके दुख दर्द में शामिल होता था, कम से कम उनके फोन से फोन लगाकर अधिकारी को डांटता था, ऐसे खासदार का पराजय इस जिला में हुआ, उसका दुख पूरे जिला को है, क्योंकि जो खासदार चुनकर गया वो ना लोगों से मिलता है, ना कार्यकर्ताओं से मिलता है। हमारे कार्यकर्ता तो छोड़ दो, वो उबाटा के जो कार्यकर्ता है बेचारे, जो शाखा प्रमुख है, उपविभाग प्रमुख है, विभाग प्रमुख है, उनसे भी मिलने का काम वो नहीं कर रहा है। तो इस पूरे जिला में और मुंबई शहर में जो 4 खासदार हमारी पार्टी के नहीं आए, महायुति के नहीं आए, हमारे विरोधियों के आए, वो मुंबई शहर के 4 खासदार के जो क्षेत्र है वहाँ की जनता दुखी है, और उसका बहुत अच्छा परिणाम महायुति के पक्ष में मुंबई शहर में जब विधानसभा के चुनाव लगेंगे तो 36 में से कम 30 विधायक चुनकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी और अजीत दादा की पार्टी के चुनकर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाने वाले। देखिए, जब पार्टी हमारी 80 में बनी, जब पूरे देश में तो अंधेरा ही था, हमारे 2 खासदार चुनकर दिल्ली गए, कोई राज्य में हमारी सरकार नहीं, मगर वैसी पार्टी यानी हमारा सिद्धांत जो अभी हमारे नेता राजेश शिरोडकर जी ने कहा कि हम लोग देश को आगे रखते हैं, बाद में पार्टी को रखते हैं और तीसरे पे हम व्यक्तिगत रखते हैं, मगर हमारे विरोधियों को आप अगर देखोगे तो पहले मेरा क्या, उसके बाद मेरी पार्टी का क्या, और देश को एक खड्डे में डालना चाहते हैं। इसलिए ये अंधेरा छटेगा जो अटल जी की कविता है, वो कहीं ना कहीं साकार महाराष्ट्र में हुई है, पूरे देश में हुई है, और जो अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा मार्जिन से हमारे, देखिए मुंबई शहर में भी मुंबई शहर की जनता ने 26 लाख वोट हमको दिए और इन महाविकास आघाड़ी और पाखंडी लोगों को 24 लाख वोट दिए, यानी 2 लाख वोट कहीं ना कहीं मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की पार्टी और अजीत दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुंबई शहर में, कम से कम मुंबई शहर के लोगों ने इनके मुकाबले 2 लाख वोट हमको ज्यादा दिए। इसका असर यह है कि आने वाला विधानसभा का चुनाव जब कभी लगेगा, मुंबई शहर का वातावरण महायुतिमय होगा, और मैं आपको दावे के साथ आज इस कार्यकारिणी के सक्षम होने के उपलक्ष्य में यह कह दूं कि जिस तरीके से पूरे देश में कहीं ना कहीं अंधेरा था मगर कमल खिला, वैसे ही आने वाले दिनों में जब कभी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव लगेंगे तो धारावी में भी अंधेरा छटेगा,
और एक कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक आने के बाद ये धारावी का विकास का काम जो रोकने का पाप वर्षा गायकवाड़ और गायकवाड़ फैमिली ने किया है उसके पाप का खात्मा होगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धारावी के विकास पर काम करेगा। ये भी आने वाला अगस्त 15 सम्मानीय पंतप्रधान साहब तीसरा बार पंतप्रधान बना बहुत खुशी का विषय है। ये पार्टी देशभक्त और देवभक्त पार्टी है, ताकत और दिमाग वाला पार्टी है। इसमें भी इलेक्शन मैनेजमेंट में कांग्रेस थोड़ा 100 भी टच नहीं किया है तो हम लोग 30-35 एम भी कम हो गया है। इसको प्रचार करने वाले सेवा को जनता का पास पहुंचाने का काम सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। उनका विषय जनता से दूसरा डाइवर्ट करने का विषय कांग्रेस हमेशा करता रहा, ये आज का बात नहीं है। अभी जो इलेक्शन हुआ है इलेक्शन में बहुत वो करने लगा। अभी सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा पवार, बजट में मैं भी विधानसभा सदस्य का नाते अंदर था। बहुत मुंबई कार का विषय, लाली बहन का योजना, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर डिप्लोमा वाले इनको स्टाइपेंड भी दे दो, उनका परमानेंट उनका लाइफ के लिए रोजगारी दे दो 5 महीने का अंदर। ये बहुत महत्व का बजट हुआ, सेवा वाला बजट, और किसान के लिए ये बिजली का पूरा माफ करने का विषय, ये सब बहुत अच्छा सेवा वाला सरकार है। ये सरकार लगातार आगे बढ़ना चाहिए, जीतना चाहिए। धारावी का रीडेवलपमेंट का विषय अभी टेंडर लगा के करना चाह रहा है अभी का सरकार, कोई भी माइकला रुका नहीं सकता, ये तो करेगा ही, तो हम लोग छोड़ेगा नहीं। कांग्रेस वाला का आवाज है, क्यों नहीं छोड़ेगा? यहाँ का जनता का हक है, उनका एक ही तो प्रॉपर्टी है, वो बिल्डिंग में रहना चाहता है, ये कांग्रेस रुका रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार उनका बिल्डिंग बना के देना चाहता है, वो है भाई, वो कॉन्ट्रेक्टर नहीं चाहिए, ये कॉन्ट्रेक्टर नहीं चाहिए, कोई भी कॉन्ट्रेक्टर बिल्डिंग बनाएगा ही है ना। अभी रीडेवलपमेंट का विषय है, अभी ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ गया है साइन ब्रिज बनाने का नाते, तो इनका विषय के ऊपर डिप्टी कमिश्नर के साथ मेरा बात हुआ है, ट्रैफिक वाला के साथ मेरा 2 दिन के बाद मीटिंग होने वाला है, ये भी विषय में उल्लेख किया है। कोई भी लोकल धारावी का अंदर ये कार्य करने में ये भी विषय उल्लेख किया, ये भी मैं काम करने वाला ही है। 90 फीट 30 फीट हो गया, वर्षा के एक बार कितना बार MLA कोई काम किया था क्या? अभी खोलता ही नहीं। मैं आज इधर छोटा मोटा काम शुरू होने के बाद वर्षा के एक बार मैडम ने अपना काफी कार्यालय जो है तो खोलने लगा। ये अपना अनिल देसाई MB बना साइन कोलीवाड़ा से, कोई आदमी काम के लिए फोन किया वो बोलता है छोटा मोटा काम के लिए मेरे को फोन मत करो। आज मैं एक MLA 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर कांवड़ यात्रा के माध्यम से बाबूलनाथ मंदिर साइन कोलीवाड़ा तक चल के गया। हम लोग एक आम आदमी सोचता है, साधारण आदमी सोचता है, जनता का साथ हम लोग भी सब जगह जाता है आता है, छोटा काम है बड़ा काम है हम लोग काम करता है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। देवेंद्र फडणवीस साहब एक एक जगह में फील्ड वर्क करता है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। पंतप्रधान साहब केरला में बड़ा घटना घटी हुआ है, उधर जाके सब जनता को मिलकर उनको कैसा सेवा करो, क्या तकलीफ से दूर करो, ये भारतीय जनता पार्टी का ये विषय उल्लेख किया है। कार्य करने में लोकल मैटर, पार्टी का गठबंधन बढ़ाने का विषय, यहाँ पे धारावी में क्या क्या करना चाहिए ये विषय, अपना जनता के लिए जो योजना पास किया वो योजना जनता का बीच में लेके जाने का काम कार्यकर्ता करने चाहिए, ये विषय के ऊपर आज मैं कार्य करने में आया। आपको मिला बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे आने वाला विधानसभा में मुंबई का अंदर पूरा महाराष्ट्र का अंदर एकदम अभी का जो सरकार है वही सरकार जास्ती भारी माध्यम से सपरेट मेजोरिटी से जिसकी वापस सरकार बनेगा, जो योजना चल रहा है अच्छा अच्छा काम चल रहा है, सम्मानीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब, इनका जो नया नया योजना है नया नया काम है पहले से, इनके माध्यम से आराम से जीत के आएगा। ये लोग 2-4 MB जीता है, टोटल हम लोग महाराष्ट्र में 2 लाख वोट कम हुआ है, टोटल महाराष्ट्र में 2 लाख वोट कम हुआ, जाति बात भारी माध्यम से वो लोग जीता नहीं, एक जगह 20,000 25,000 10,000 12,000 8,000 ऐसा करके कम हुआ है, ये वापस सुधारेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का सरकार, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का सरकार वापस 2024 में होएगा ही होएगा। कार्यकारिणी होने के बाद महाराष्ट्र की कार्यकारिणी हुई, जिला की कार्यकारिणी हुई, और जिला में 6 विधानसभाओं में 3 विधानसभा में अब तक कार्यकारिणी विस्तारित कार्यकारिणी हुई, आज धारावी की हुई, उसमें केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार हुई उसका अभिनंदन का ठहराव हुआ, फिर महाराष्ट्र की महायुति के अभिनंदन का ठहराव हुआ, और धारावी में विशेष रूप से हमारे पूरे टीम ने धारावी के बारे में कुछ ठहराव यहाँ पे रखे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से और भारी संख्या में आज ये कार्यकारिणी हुई है। इसमें काफी आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ताओं ने किस तरह से आने वाले चुनाव में कैसे काम करना है, और जो फेक नैरेटिव
कांग्रेस और जो इनकी इंडिया आघाड़ी कर रही है, जाति पाति की ऊंची राजनीति कर रही है, तो उसके खिलाफ में घर घर जाकर, लोगों तक जाकर हमारे जो अल्पसंख्यक भाई है या हमारे अनुसूचित जाति जमाति के लोग हैं, उनके साथ संपर्क करके जो फेक नैरेटिव रहा है उसको उजागर करना, और कैसे इन्होंने झूठ बोलकर जो खटाखट खटाखट वाला जो झूठ है वो तो पूरे देश ने देखा है। और कांग्रेस की ये बात रही है कि झूठ बोलो, अपनी रोटी सीखो, बाद में प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है और बाद में चुनाव होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। जी बिल्कुल खिलेगा, हमारे दो खासदारों से बनी हुई पार्टी आज केंद्र में तीसरी बार सरकार बन रही है, और निश्चित रूप से धारावी में संघर्ष करने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता है, सालों साल काम कर रहे हैं, उनको एक संधि नहीं मिल रही है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत धारावी में बहुत ही अच्छी बनी है। कार्यकर्ता फिर हर एक यहाँ से समुदाय से आ रहे हैं और बहुत ही अच्छी ताकत भारतीय जनता पार्टी, उसी दावे के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हम निश्चित रूप से इस बार धारावी में कमल भी खिलाएंगे, महानगर पालिका में भी यहाँ पे निश्चित रूप से तीन वार्ड में हम लोग अच्छी टक्कर देकर यहाँ पर हमारा कॉरपोरेटर बनाएंगे। तो विपक्ष को तो अपने देश में अराजकता ही करना है, जिन्होंने 99 खासदार चुनकर आने के बाद भी ऐसा उन्होंने शोरगोल शुरू किया है कि जैसे वो जीत गए, ऐसे लोगों की थोड़ी शर्म आनी चाहिए। संसद में आपको चुनकर भेजा है अपना विषय रखने के लिए, ना कि झूठ बोलने के लिए। आप बार बार झूठ बोल रहे हो और हमारे नेता उस झूठ को आपको सामने उत्तर दे रहे हैं, उत्तर सुनने की आपकी क्षमता नहीं। जब उत्तर देने के लिए कोई मंत्री या तत्सम लोकसभा में उपस्थित रहते खड़े रहते हैं तो आप बाइकआउट करते हैं और चले जाते हैं हॉल से, तो ये तरीका नहीं है लोकतंत्र में। आपकी झूठ नैरेटिव देश की जनता समझ चुकी है, और इसके आगे आपने हाई पिच पर जाकर झूठ बोला था, अभी जनता बेवकूफ नहीं बनेगी आपके इस झूठ को, जनता आपको बराबर आने वाले चुनाव में उत्तर देगी। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स जी ने बात किए हैं, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हुए उनसे भी बात किए हैं, उन्होंने तुरंत हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो रुकने चाहिए, या तो मैं नहीं तो मैं इसी बात दूंगा, इतनी बड़ी बात अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष कहता है तो इसका मतलब ये है हमारा दबाव तंत्र, हमारी कूटनीति ये पूरा काम कर रही है। अपने यूक्रेन में जैसे युद्ध हुआ था उस वक्त भी आपने देखा हुआ हमारे विद्यार्थियों को लाना, वैसे ही जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पर है, और मैं अभिनंदन करना चाहूँगा हमारे हिंदू भाइयों का जो वहाँ पर संगठित होकर उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया, घोषणाबाजी की, और ये जो एकता की ताकत है वहाँ पर भी दिखाई दी। आने वाले समय में हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स और हमारी सरकार निश्चित रूप पर इस विषय को गंभीरता से तो ले रही है, लेकिन वहाँ के हमारे हिंदू लोग कैसे सुरक्षित रहे इसकी भी चिंता करेंगे। वक्त पड़ने पर आपको सही केंद्र सरकार क्या कर रही है वो आपके ध्यान में आएगा। आजम जी, धारावी भारतीय जनता पक्ष विधानसभा वती विस्तारित अशा कार्यकर्णजी ज्यांच्यामध्ये सर्व छोट्याच्या छोट्या कार्यकर्त्यांना आम्ही बोलवले होते, आणि भारतीय जनता पार्टीने आजपर्यंत काय काय केले, केंद्रापासून आमची सरकारने, महाराष्ट्र सरकारने, आमच्या जिल्ह्यांनी काय काय आम्हाला आदेश दिले, संघटनांनी आम्ही काम केले आणि आम्ही पुढे काय काम करणार आहे त्याच्याबद्दल सर्व कार्यकर्त्यांना माहीत व्हावी की काय आमच्या पुढच्या आदेश आहे पक्षाच्या संघटनच्या, त्याच्याबद्दल आम्ही ठराव पास केलेला आहे। महत्त्वपूर्ण जसा मोदीजींनी तीन वेळा हॅट्रिक केली या देशामध्ये सरकार स्थापन झाली आता, म्हणून त्यांचे अभिनंदन केला। महाराष्ट्र सरकारची विविध योजना आणि पुढे काय काय करणार आहे त्यांचे अभिनंदन आणि माहिती, आणि विशेष म्हणजे धारावीकरांच्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने 2004 पासून रखडलेला जे DRP धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट आहे त्याच्या अंमलबजावणी झाली पाहिजे, लवकर सर्वे होऊन आता तरी लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांचे हक्क मिळाला पाहिजे, म्हणून भारतीय जनता पार्टी सतत एक छोटा छोटा कार्यकर्तापासून मुख्य नेतापर्यंत प्रयत्न करत आहे। पण काही पूर्वी या DRP पाठिंबा देणारे उमाठा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे लोक जेव्हा सरकारमध्ये होते तेव्हा त्यांनी धारावी DRP काहीच केले नाही। मी आता अडाणीच्या नावावर DRP नावावर काय पुष्कळ अशी कमी आहे असं करून मोर्चा काढते, धरणा करते, निदर्शन करते, लोकांच्या घराच्या सर्वे आहेत,
ना करू देत नाही यांच्या निषेध आम्ही करत आहोत। खरं म्हणजे सर्व धारावी करांनी या जरा पार्टी आहे ते गैरसमजूत पसरत आहेत। एक षड्यंत्राच्या द्वारे त्यांनी समजलं पाहिजे, त्यांचा विरोध केला पाहिजे आणि सर्वांनी पक्का निर्धार केला पाहिजे की धारावीचा विकास व्हायलाच पाहिजे। 2004 म्हणजे 20 वर्ष झाले, अजूनपर्यंत काही झालेले नाही। आता तरी पुन्हा सर्वेच्या घरोघरी नंबर टाकत आहे भारतीय जनता पार्टीची। धारावीची मांग आहे की प्रत्येक झोपडीच्या अगेन्स्ट, झोपडीच्या समोर प्रत्येक माणसाला झोपडीचा पक्का घर मिळायला पाहिजे, धारावीमध्ये मिळायला पाहिजे। दुकान व्यवसाय आहे त्यांना पुनर्वसन धारावीमध्ये झाले पाहिजे। आणि विशेष जे कमी 100 वर्षापासून कुंभारवाडामध्ये धारावीचे कुंभार समाजाच्या लोक राहत आपला छोटा उद्योग करीत आहे, गृहउद्योग करीत आहे, त्यांना पण इथे न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांचे हक्क मिळायला पाहिजे, कोळी समाजाला मिळाला आहे, सर्वांना धारावीच्या परिसरात मध्ये घर लवकरात लवकर मिळायचे अशी आम्ही मागणी आहे। आणि भारतीय जनता पार्टी खंबीरपणे यासाठी उभा आहे। धन्यवाद।